तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। She's beautiful. इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ मैं जानती हूं। But why? कैसे? आपने जो कुछ भी सुना है वो सच नहीं है। पिछले एक महीने में मुझे इतनी नई बातें पता चली हैं। I really don't know किस पे यकीन करूं किस पे नहीं। इसलिए यहां आई हूं खुद तानिया को जानने। दो लोगों के बीच में जो भी हुआ वो उन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। शायद इसी बात का बेनिफिट ऑफ द डाउट मैंने हमेशा दिया है मिर्जलाल को, लेकिन मैं अपनी बहन को जानती थी। एक लड़की जो अपनी माँ, अपनी कम्युनिटी सबसे लड़कर एक आदमी से शादी करती है, वो भी तानिया जैसी लड़की, इतनी डिवोटेड, शाय, ओबीडियंट, ऐसी लड़की अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर उस आदमी को जिससे एट दैट टाइम उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी को धोखा क्यों देगी? व्हाई? लॉजिकल ही नहीं है। लॉजिकल ही नहीं है। क्यों नहीं लेते कि वो कभी नहीं मानेंगे? एक साल हो गया हमारी शादी को, बेटी भी है। मैं क्या करूं तानिया? वो अकेली है, माँ है मेरी, उन्हें छोड़ तो नहीं सकता ना। तो ऐसा मैंने कब कहा है? मैं तो पहले भी कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ये तुम्हारी जिद थी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ ना। अब इस सब में मैं इतनी इनसिक्योर हो गई हूँ, मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। कब तक ऐसे अलग रहेंगे? I'm all alone in this. मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उन्हें मना लूंगा। नहीं है मेरे पास और वक्त, मुझे अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है। मैं यहां से कहीं चली जाऊंगी, कहीं दूर, बहुत दूर। कैसी बातें कर रही हो तानिया? कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी? जहां भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? बीवी हो मेरी यार। यही तो गलती हो गई। सबसे लड़ झगड़ कर मैंने तुमसे शादी की, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ रह सको। तुम सिर्फ दावे करते हो बहादुरी के, तुम मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले सके। ठीक है तानिया, तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो करना है करो। मैं इतना ही गलत हूं ना? मेरी शक्ल भी नहीं देखना। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम
सलाम। ये कोई तरीका है किसी के कमरे में आने का? अंदर आने की इजाजत का इंतजार करना चाहिए। क्या कर रही थी आप? तुम्हें कब से फिक्र होने लगी कि मैं क्या कर रही थी? मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, थकी थकी लग रही है ना। मिसेस वाडिया का एनजीओ जो है वो उनका नया सिलाई सेंटर खोल रहा है, तो उसके लिए फंड रेजिंग कर रही हूँ आजकल। तभी नजर नहीं आती, काफी निकलना हो रहा है आजकल, है ना? तो अब तुम मेरे आने जाने पर नजर रखने लगी हो? आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प, ताकि आपको ये फजूल की भागदौड़ ना करनी पड़े ना। तुम्हारा चेक रेडी है? तुम्हारे किमाड़ी वाली स्कूल की इनॉग्रेशन कब है? अभी एक महीना है। थैंक यू। आप ऊपर से जो भी कहें, आपको मेरा कितना ख्याल है दादी। मैंने ना आपको पहले बहुत निग्लेक्ट किया, लेकिन अब मैं आपको अपनी पूरी अटेंशन दूंगी। आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। इट्स रियली मीन्स अ लॉट। Thank you.
जा रहा हूँ। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? यहीं रहती हूँ। मैं समझा कि जो कुछ तुमने मुझे बताया उसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम सिर्फ सच डिजर्व करती हो। मैं भी चाहता था कि तुम घर वापस आओ, लेकिन तब जब तुम्हें सब पता हो। आई एम सो डन विद दीस लाइज। सो एम आई। तुमने जो कुछ कहा किया डिस्ट्रॉयड मी। दिल तो चाहता है काम तमाम कर दूं तुम्हारा। तो क्यों आई वापस? मुझे मारने? एक बेटी है हमारी, उसकी वजह से एक अनब्रेकेबल रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, जिसे रिपेयर करने की कोशिश करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई वॉन्ट आवर फैमिली, आई वॉन्ट यू बैक। मेरे लिए तुम दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है। तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। आई वॉन्ट इम्पोज माई सेल्फ, आई प्रॉमिस। एक्सेलेंट बाय द आर्टिस्ट, इज वेरी हॉट राइट नाउ। मेरे ख्याल में आखिरी पीस मेरे पास बचा है। मैम आपकी पेंटिंग रेडी है? ओके मैम, थैंक यू। हेलो, काम माम छोड़ दिया है मुझे लगता है। नहीं यार, लंच ब्रेक है। ओ यस, लेट्स ऑर्डर समथिंग। मैं करती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास पॉइंट्स हैं, डिस्काउंट 50%। वेट, थाई? यस प्लीज। मैं सोच रही थी कि अभी तक हमारे फोकस में सिर्फ अब्बा हैं। हमारी फैमिली में वो अकेले नहीं है जो नहीं चाहते कि हमें सच पता लगे। दादी, आई डोंट नो, आई मीन उनकी हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने तानिया और जलाल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो पता ही है मुझे। And she's arrogant and old-fashioned, but you think she can do this? मरवा सकती है वो किसी को? मुझे नहीं पता वो किस हद तक इन्वॉल्व्ड है सब में, लेकिन उनका definitely कोई ना कोई हाथ तो है। कल रात मैंने उन्हें कोई पेपर चलाते हुए देखा है। What papers? No idea. मुझे पता लगाना है। I don't know, whatever it is, you need to be careful. You need to be careful. दादी को हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद। Well, check for ये देखो। That's this. This looks good. It's a deal for two. ये कर सकते हैं। Spicy. Yeah. Okay. Medium. अम्मा? Change your mind though. तानिया वाला झूठ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था। I had even decided to forgive him, but then But what, Amma?
He said something that is just unforgivable. Intentionally नुकसान पहुंचाया है उसने मुझे. जो उसका था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मुझसे वो छीन लिया जो मेरा हक था. क्या कहा अब्बा ने आपसे? उसने कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. और वो तुम्हें घर ला सके. Why did you come back? Because regardless of everything else, तुम मेरी बेटी हो, तुम यहां रहती हो. सबके बगैर गुजारा हो सकता है, तुम्हारे बगैर नहीं. और तुम्हारी मदद करना और तुम्हारी हिफाजत करना बहुत जरूरी है. और जो सच तुम ढूंढ रही हो अब मुझे भी ढूंढना है, पूरा सच, वंस एंड फॉर ऑल. और ये सिर्फ हम दोनों मिलकर कर सकते हैं. सो हियर आई एम. अस्सलाम वालेकुम राहिरा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. चाय? रामिस मेरा अकलौता बेटा है. आपकी एक बेटी भी तो है अमेरिका में. जी, लेकिन बेटा अकलौता है. मेरी बेटी अमजद से ज़्यादा क्लोज रही है, लेकिन रामिस मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. लेकिन आजकल वो मुझसे बात नहीं करता, बल्कि जब करता है तो खफा सा रहता है. बच्चे बहुत स्ट्रेस में है राहिला. लेकिन ये स्ट्रेस उसे हमारे घर से तो नहीं मिल रहा. बच्चे बड़े हो गए हैं अब, हम उन्हें एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन डिसीजंस तो उनके अपने होंगे. बड़े हैं, गाइड तो कर सकते हैं ना. हम गाइड ही कर सकते हैं. मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत अजीज है. मैं सिर्फ गुजारिश ही कर सकती हूँ अपने बेटे की सलामती के लिए. I hear you, Rahila. लेकिन अगर आप रामिस को कन्विंस नहीं कर सकी तो आई डोंट नो व्हाट आई कैन से. अनीसा तो कर सकती है, बात तो सुनती होगी वो आपकी. क्या कहना चाहिए मुझे अनीसा से? आपकी बेटी को बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, रामिस भी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा. शादी से पहले की बातें, मोहब्बतें भूल भाल जाते हैं लोग. साफ बात यह है कि मैं इस रिश्ते से कंफर्टेबल नहीं हूँ. आप मेरे घर आई हैं, आपने रिक्वेस्ट की है, मैं एज अ कर्टसी उनसे जरूर बात करूंगी राहिला, लेकिन मैं उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी.
आजकल के जमाने में ऐसे अल्टीमेटम्स बड़े दखियानूसी हैं। आई डोंट थिंक दे इवन वर्क। बच्चे जो भी डिसाइड करेंगे हमें उसे रिस्पेक्ट तो करना होगा। जी जी अरे जादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ये माजी साहब हैं। जी थोड़ी बहुत वाकफियत है इनसे। और इनको कौन नहीं जानता? वाह ये तो और अच्छा हो गया, इन्होंने आपके क्लब के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। अगर आपकी इंडोर्समेंट मिल जाए तो आधा काम तो हो जाएगा। इंडोर्समेंट ज़ाहिदी साहब, यू नो आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट माय इंडोर्समेंट। और मैं क्या, ये क्लब भी क्यों ना हो, इस क्लब की एक प्रेस्टीजियस लेगेसी है। अब ये क्लब इतना डेस्परेट भी नहीं कि हर एक को मेंबरशिप देने लग जाए। क्यों माजी साहब, काफी बड़े बिल्डर हैं। अच्छा पैसे और क्लास में फर्क होता है, नेक और नामवर में भी बहुत फर्क होता है। रहने दीजिए दादी साहब, मुझे नहीं लगता कि आपके मेहमान से हमारी कोई ज्यादा जमेगी। और वैसे भी हम गिली डंडा खेलने वाले और दाल चावल खाने वाले लोग हैं, कहाँ ये गोल्फ और अंग्रेजी खानों के चक्कर में पड़ेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे तो मुलाकात हो ही जाएगी मीर जलाल साहब मेरे ऑफिस, सॉरी आपके ऑफिस में। कुछ ढूंढ रही हो? मुझे कहो मैं बताती हूँ। चार्जर, फोन चार्जर मेरा टूट गया। वो जो सामने पड़ा हुआ है। एक चार्जर। तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो मेरे कमरे से तो मुझे बता दिया करो, बताने की जरूरत नहीं। आप थी नहीं ना, कहीं बाहर गई नहीं थी, बहुत निकलना हो रहा है आजकल। तो अब तुम सबने मेरी मसरूफियत पर नजर रखना शुरू कर दी। इतना कुछ होता रहा पिछले दिनों घर में, आप पर भी असर तो जरूर पड़ा होगा, फिक्र हो रही थी। थैंक यू। अगर तुम्हें मेरी और इस घर की इतनी फिक्र होती ना तो रूठ कर बहन के घर जाने का तमाशा ना करती। ये सब चोंचले शादी के शुरू शुरू के दिनों में अच्छे लगते हैं, तुम्हारी उम्र में सूट नहीं करते। अब आई गई हो तो अपने घर की फिक्र करो, मेरी नहीं। जी वो ही कर रही हूं। We'll be right back.
उसने कभी मारिया डिसूजा का नाम नहीं लिया? नहीं, ये नाम मैंने उस वाकये के बाद ही सुना। और लोगों से कोई मिलना जुलना उसका? हाँ, दो औरतें थी, वो उसके काम में पैसे लगाना चाहती थी। कौन थी वो? एक जरा जवान सी है, अनीसा नाम है उसका, और दूसरी जरा उम्र रसीदा खातून है। मुझे उनका नाम नहीं याद। मैं एक मिनट आई। हेलो, गुड़िया कौन सा गेम खेल रही हो सुन भला? नहीं, अभी सिर्फ सेटअप कर रही हूँ। सेटअप कर रही हूँ? अरे सिर्फ गेम ही खेलती रहती हो उसके ऊपर, या गेम खेलने के बाद कोई पढ़ाई शढ़ाई भी करती हो उस पे? नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती ना, तो इस पे खेल लेती हूँ। इस पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। कुछ दिनों पहले जवाद को कोई बड़ी रकम मिली थी। नहीं तो? उस दिन उसने कुछ कहा था? बस कुछ दिनों से वो ये कहता था कि हमारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले। ये लगा अपने सिक्योरिटी बिजनेस की वजह से ये बात कर रहा। सज्जो बंद कर दे से। मेरी दवाई का वक्त हो गया है। ओ हाँ, चांडियो भाई बस दो मिनट दे इसकी दवाई। नहीं 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 नहीं, नहीं बस अब मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची आई। वैसे ये जो आपका नया वाला मोबाइल है ना, वो तो महंगा है। मेरे पास भी है लेकिन चाइना का है, फर्स्ट कॉपी, काम वही करता है। आपका नंबर इसके अंदर फीड है, जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा कॉल। है बस बेटा, पढ़ती लिखती रहना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। There was no time. कुछ भी नहीं मिला और एकदम ही आ गई, और चलती भी बगैर आवाज के, पता ही नहीं चला। निंजा तो नहीं थी अपनी जवानी में? कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। Because we're not looking at the right place. What's the right place? जलाल, सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना ना कि जिस दिन मारिया खाला पे अटैक हुआ, उस दिन अब्बा की बात हुई जवाद से या नहीं। आई थिंक वी शुड रूल हिम आउट फर्स्ट। वी कैन चेक हिज फोन। हाँ, आ गए। Hello. Hello. कैसा रहा गोल्फ? था तो बहुत हॉट डे आज, पर अच्छा था। वो जहांगीर साहब भी थे वहां। सुना है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलने वाली है। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। We can't miss it.
हाँ तुम जरूर जाना, मेरा कंफर्म नहीं है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। मैं चला जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये क्या कर रही हो? ये बज रहा था शायद। आओ। नहीं, फोन तो कोई नहीं आया। मैं सोच रहा था कि अगर अनीसा, तुम और मैं टर्की चले जाएं फॉर अ वेकेशन, ओनली इफ यू वांट टू। टर्की? टर्की, तुम टर्की पर बुक पढ़ रही थी ना? सो टर्की? या टर्की, श्योर, वी कैन थिंक अबाउट इट। परफेक्ट। I think it's a good idea. I am so bad at lying. But we're so good at it. नहीं, अब्बा ने कोई कॉल नहीं की भी, ना ही उसके नंबर से कोई कॉल आई भी है। आके देखो, कुछ मिस्ड कॉल्स हैं, लेकिन वो बहुत पहले की हैं, बहुत अटेम्प्ट से भी बहुत पहले की हैं वो। WhatsApp, WhatsApp चेक करो। देख रही हूँ। Nothing, Amma, there's nothing. SMS. Nothing. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। God, इसका मतलब है कि जलाल का मारिया पे अटैक से कोई ताल्लुक नहीं है, right? लग तो यही रहा है, लेकिन लेकिन ये सब वो चीजें ना जो डिलीट हो सकती है। All of these call logs, these messages. What's the point of the search then? I'm thinking. Let me. ये वापस रख, क्यों वो निकल आएगा शावर से? तुम think. Let me see. यार, प्रिपेयर नहीं हो क्या? आने वाला होगा। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। Hey. Hi. माँ, स्टॉप एम्बैरेसिंग मी यार। मैंने पूछा बर्गर एंड फ्राइज अच्छे लग रहे, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। अपना ऑर्डर कर लो प्लीज। तो बताइए, मैं इतना लकी कैसे हो गया कि आप दोनों के साथ लंच करने का ऑनर मिल रहा है मुझे? We need your help. क्या? क्या हुआ? अजीब सा लग रहा है। क्यों? हमें अब्बा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं। Okay. तुम भी सोचोगे क्या फैमिली है? Are you sure you want to join this family? अम्मा, देखो, I know it's a strange request. लेकिन हमें make sure करना है कि अब्बा की इस सब में कोई involvement नहीं है। No, totally understandable. मुझे पता है आप लोग अंकल पे स्पाई नहीं करना चाह रही। इट्स फाइन, नो जजमेंट्स। पे हम झूठ सुन सुन के थक गए हैं, इसीलिए वी नीड योर हेल्प। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारी बर्थडे पे आई थी, वहां तुम्हारा एक कजन था, मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए, चिपके हुए बाल, आईटी जीनियस। शजील? हाँ। ओ गॉड नो। कुछ और मांग लो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मैं वो कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। क्यों, कोई प्रॉब्लम है उसके साथ?
मैं आपको कैसे समझाऊं? आप कभी ऐसे इंसान से मिली हैं जिससे मिलके आपका दिल करे कि आप सुसाइड ही कर ले? No, not really. Well, that's Shirjeel. Ramesh, please हमारी हेल्प कर दो यार. Want some hot sauce? Side. Eat. Do you want, well, you know, their famous chocolate shake with it? Thank you. Anisa, बेटे प्लीज यहाँ जरा ATM से पैसे तो निकलवा लो. मैं रास्ते में से दवाएं भी ले लूँ. हाँ कितने? 10. अनु आ जाए फिर ले जाऊंगा. थैंक यू फॉर योर हेल्प. इट्स ऑल माय प्लेजर. मुझे पता है तुम ये अनु के लिए कर रहे हो. Because you love her. And she definitely loves you. She does. लेकिन रामेश तुम्हारे और भी रिलेशनशिप्स हैं जो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. अनीसा के साथ चलने से वो अफेक्ट हो सकते हैं. एंड इट्स पॉसिबल कि डाउन द रोड तुम रिग्रेट करो अपने इस फैसले को. ब्लेम करो अनीसा को. आप मम्मी की बात कर रही हैं? कुछ कहा उन्होंने आपसे? I don't blame her. She's concerned. माएं होती हैं अपने बच्चों के लिए परेशान. It's the job, you know. Thank you. थैंक यू यार. जब भी मिलना होगा बता देना शर्जील से. सही है. चले अम्मा गाड़ी आ गई. बाय. थाम लेते उठते कदम तेरे लिए ही ठहरे थे हम. ना मिट सकी कोई हद खामोशी की. दोनों के चुप भी वही के वही. तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा. तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा. कुछ कह न पाया तेरे मन में झांका. तो खुद को ही पाया मैं टूटा फूटा.